Hello friends, welcome to my channel and here is your legal buddy with third part of emergency, right? Prior to this video, I have make the videos regarding the national emergency and state emergencies. I will also upload the link of those two videos in the description box, so you can check it out in the description box. So coming to today's topic, the financial emergency. So it name itself suggests emergency regarding the finance of the country. Obviously country level पर है, क्योंकि अगर state level पर finance का कोई भी crisis होता है तो state के पास ये वो privilege है कि वो center से बात करता है. तो center has a power to allocate funds to state if certain kind of emergency generated in any part of India or any state. तो वो तो fund allocate हो जाते हैं by the यूनियन गवर्नमेंट. बट ये जो इमरजेंसी है ये कब क्रिएट होती है? जब किसी तरह का कोई थ्रेट हो, है ना. थ्रेट टू किसको हो? या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और क्रेडिट ऑफ इंडिया, राइट. या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, या हम इसको नीचे लिख देते हैं क्रेडिट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट किसका हो? ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया. तो यानी कि कोई ऐसी कोई इस तरह की सिचुएशन अराइजेज हो जाए जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, क्रेडिट ऑफ इंडिया को लेके कोई थ्रेट जनरेट हो जाता है कि जो हमारा फाइनेंस है वो का जो लेवल है वो डगमगा गया, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए कोई, तो उस सूरत में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है. आर्टिकल 360 इसको डील करता है, ठीक है. फाइनेंशियल इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी जाती है, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये बहुत ही छोटा सा प्रोविज़न दे रखा है, बड़ी सिंप्लीफाइड सा फील होता है. क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस है ना वो एक इस तरह की चीज़ है कि इंडिया में अगर हम फाइनेंस को देखें तो सेंटर के पास है सारी पावर फाइनेंस की, क्योंकि जो टैक्स और रेवेन्यू जनरेट होता है ना उसका डिवीज़न एंड एलोकेशन पे भी जो पलड़ा भारी होता है ना वो सेंटर गवर्नमेंट का होता है. और ये कहा जा सकता है कि एक पैनी भी खर्च नहीं होती विदाउट द नॉलेज एंड यू कैन से परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब फाइनेंस पे सारा कंट्रोल उनका है, तो कंट्रोल उनका है तो उनको पता भी उन्हीं को होगा कि कब हमारे फाइनेंस में इतनी गड़बड़ हो गई है कि इट इज़ द इमरजेंसी टाइम कि फाइनेंस को टैकल करने के लिए सारे देश में या देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी रिगार्डिंग द फाइनेंस. एंड फॉर्चुनेट बात यह है कि आज तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को नहीं डिक्लेयर करा गया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी साउंड इकोनॉमी है एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द गुड इकोनॉमीज में आता है. कि जब इतना एक इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया था वर्ल्ड में तब भी इंडिया की इकोनॉमी सर्वाइव कर गई थी, तब भी कोई ऐसा थ्रेट टू अवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को नहीं हो पाया था. तो ये यूज़ भी नहीं हुई है आज तक, लेकिन फिर भी ये जो इमरजेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है. अगर तो फॉर टू मंथ तो गवर्नमेंट यानी बाय यूनियन गवर्नमेंट रहता है ये डिक्लेरेशन. अगर मोर देन ये टू मंथ है, इफ मोर देन टू मंथ तो क्या होगा? अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड. और ये इमरजेंसी कब तक चलती है, यानी ये जो दो महीने के बाद कब तक चलेगी? टिल द इमरजेंसी चल रही है. तो जब तक ये इमरजेंसी जो है, कौन सी इमरजेंसी? फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी में खतरा आ गया या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो ये जो इमरजेंसी सीजेज नहीं हो जाएगी, या जब तक ये इमरजेंसी एग्जिस्ट करेगी तब तक ये इमरजेंसी चलती रहेगी, रिवोक नहीं हो सकती. रिवोकेशन एक ही सूरत में होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करे कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो चुका है, नाउ वी आर रिवॉकिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी. इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बस इतना तो जो हमने कर ही लिया है, उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उससे क्या
कॉन्सिक्वेंस जनरेट होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं, क्योंकि देखिए फाइनेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, सारे फाइनेंस से रिलेटेड हैं। जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, सपोज़ ऐसी सिचुएशन है ना, जब हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, कम हो गया है, थ्रेट हो गया है, हमारे जितने भी फंड्स हैं लाइक कंसोलिडेटेड या कंटीजेंसी फंड है, उनमें मनी अवेलेबल नहीं है खर्च करने के लिए, तो उन सब सूरत में क्या होगा, दो मेन बात होती हैं। एक तो हम इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि रिडक्शन होता है ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। जो भी सैलरी और अलाउंसेस हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी का हो जाता है ऑफ ऑल अलाउंसेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स और इंक्लूडिंग जजेस ऑफ, जिनको कि इम्यून माना जाता है कि एक जज के करंट रहते हुए पीरियड में कभी भी उसकी सैलरी का रिडक्शन नहीं हो सकता उसके ड्यूरेशन टेन्योर के दौरान, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान अगर कोई जज भी है ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, तो उनकी सैलरी का रिडक्शन हो सकता है, अलाउंसेस में रिडक्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, सेम जो रिडक्शन है डिटो ऑफ अलाउंसेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स अंडर स्टेट, तो स्टेट्स में जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनकी भी सैलरीज का है वो रिडक्शन हो जाएगा। एक तो ये मेन चीज़ होती है। दूसरा क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एक क्या करती है, दो चीज़ करेगी, एक तो क्या करेगी, इशू डायरेक्शंस रिगार्डिंग फाइनेंस, यानी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जो है वो उनको डायरेक्शंस इशू कर देगी। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर डायरेक्शन यूनियन देना चाहती है वो स्टेट को देगी। और उससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, जितने भी मनी बिल हैं, मनी बिल्स ऑफ स्टेट, यानी कोई भी स्टेट जब कोई मनी बिल पास करेगी वो किसके लिए रिजर्व होगा, कैन बी पास्ड बाय द, किसके एसेंट से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट की एसेंट से वो बिल पास होएगा। तो यानी क्या है कि सेंटर की अलाउंस जरूरी है, क्योंकि बिल के ऊपर एसेंट तो जैसे अदर मनी बिल्स का होता है कि सेंटर भी अगर कोई मनी बिल पास करता है तो वो जो फाइनल तभी होगा जब प्रेसिडेंट असेंट करेंगे, लेकिन स्टेट असेंबलीज में क्या होता है, मनी बिल तब फाइनल हो जाता है जब गवर्नर उसको फाइनल कर देते हैं। लेकिन ये एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई भी मनी बिल जो स्टेट पास करेगा वो तभी पास हो सकेगा बाय द एसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट जब उसको एसेंट दे देगा, यानी कि सारा जो फाइनेंशियल एक जो वो है प्रोसीजर है इन द स्टेट्स, वो किसके हाथ में आ जाएगी, सेंटर के हाथ में आ जाएगी। तो ये दो मेन तरीके होंगे, बाकी तो इन्हीं के अंदर जो फर्दर प्रोविजंस है सेंटर कर सकता है, स्टेट्स को गाइडलाइन जारी कर सकता है, उनके मनी बिल को रोका जा सकता है, मतलब तभी पास होंगे जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, यानी यूनियन गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देगी। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ सैलरीज सेंटर के एम्प्लॉयज़ की प्लस में स्टेट एम्प्लॉयज़ की, और अगर ये इमरजेंसी किसी पर्टिकुलर स्टेट या पार्ट में होती है तो ये सिर्फ उस पर लागू होगी। तो इस तरीके से हमारा जो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये प्रोविज़न है। तो क्योंकि इंडिया में और होपिंग फॉर द बेस्ट, इंडिया में शायद ही कभी किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी लार्ज है, तो इतना क्राइसिस बैकअप बहुत अच्छा है इंडिया के पास, तो वो जो बैकअप होने की वजह से इस तरह का कोई क्राइसिस फ्यूचर में भी जनरेट होने के ओरिजिनेट होने के चांसेस जीरो के लगभग हैं। तो फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन ए वेरी फाइनेंशियली साउंड कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, और इवन आप देख सकते हो
कि जो कोरोना वायरस का थ्रेट फैला हुआ है और जो एक पैंडेमिक चल रहा है इंडिया में भी, तो जो हमारी जीडीपी है वो काफ़ी घटेगी, लेकिन स्टिल इंडिया इतना जो असिस्टेंस दे रहा है सैलरीज से रिगार्डिंग है, फूड से रिगार्डिंग है, लेबर क्लास को, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो लेबर क्लासेस हैं उनको दे रहा है, बैंकों पे लोड आएगा, वो सारा इंडिया कैसे टॉलरेट कर पाएगा ड्यू टू द गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी कभी भी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन नेक्स्ट टॉपिक जब तक आता है, टिल देन गुड बाय, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी। और ये मेरा थर्ड पार्ट मतलब इमरजेंसी तीन पार्ट में था, ये ख़त्म है इस वीडियो में। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।